इन दिस क्वेश्चन ब्लॉक इस प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है और पार्टिकल ब्लॉक पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकली। यहाँ पर मिनिमम टाइम पीरियड की वैल्यू पूछी गई है जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म और ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट छूट सकता है। देन अगर हम यहाँ पर इस बारे में सोच रहे हैं कि ब्लॉक जब ऊपर की ओर मूव कर रहा है उस मोमेंट पर प्लेटफॉर्म इसको ऊपर की ओर पुश कर रहा है, लेकिन जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो इस ब्लॉक का वेट इसको नीचे ले आएगा। इफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन ऑफ प्लेटफॉर्म इज ग्रेटर देन जी, देन इन दोनों ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में कॉन्टैक्ट छूट सकता है। अगर एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म का जी से ज़्यादा हो जा रहा है किसी भी इंस्टेंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है डाउनवर्ड वो कितना है, जी के बराबर। तो अगर प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा हुआ तो कॉन्टैक्ट छूटेगा। हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं छूटने देना है, इसका मतलब है कि ए ओमेगा स्क्वायर दैट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द SHM should be less than or equal to g, and amplitude of SHM is given 2.5 centimeter, 2.5 × 10⁻², and omega 2π/T whole square should be less than or equal to g. (2.5×10⁻²−2)⁴ × π² or according to question pi square can be written as 10 t square should be less than or equal to 10, और यहां से t की वैल्यू greater than or equal to 1/10 के बराबर होनी चाहिए t square की वैल्यू, और t should be greater than और इक्वल टू 1/√10 टी ऑल्सो कैन बी रिटन एज √10/10 एंड √10 कैन बी रिटन एज π/10। देन correct answers will be B and D.